मनरेगा दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड के 19 जिलों में मनरेगा लोकपालों में नियुक्ति की गई और एक समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने चयनित मनरेगा लोकपालों को नियुक्ति पत्र दिया। इस कार्यक्रम में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले डीडीसी और डीडीओ को सम्मानित किया गया। 2 फरवरी को देश में मनरेगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में मनरेगा योजना की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए 19 लोकपालों की नियुक्ति की गई है। झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विकास मंत्री ने चयनित सभी लोकपालों को नियुक्ति पत्र सौंपा। बेहतर काम करने वाले वीडियो और डीडीसी को सम्मानित भी किया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमी को दूर करने के लिए लोकपाल अहम भूमिका निभाएंगे। 2 फरवरी मनरेगा के दिवस के नाम से जाना जाता है और इसी के अवसर पर हमारे यहाँ कुछ दिनों से लोकपाल का जो है नियुक्ति नहीं हुआ था। इसमें मनरेगा के कामों का कोई दिक्कतें हो रही थी, छोटे मोटी जो भी काम त्रुटियाँ, उसका देखभाल, निरीक्षण करना, जिसको जल करना, इस सब में थोड़ा कठिनाई दिखाई दिया था और हम लोगों ने लोकपाल का आज नियुक्ति पत्र 19 जिला के हम लोग चयन कर लिए। 5 जिला अभी छुटा हुआ है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। बैठक में कई जिलों के डीडीसी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद चयनित एवं मनरेगा संबंधित अधिकारियों और लोकपाल को ट्रेनिंग भी दी गई। ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने मनरेगा योजना में किस तरह जेसीबी का इस्तेमाल बंद किया जाए, किस तरह भुगतान संबंधी गड़बड़ियों को दूर किया जाए, इसकी बारीकियां भी समझाई। इस पे भी एक हम लोग एक पॉलिसी यहाँ बना रहे हैं कि क्या जो लोग जेसीबी जब स्पष्ट रूप से मना है तो यदि वो अभी फाइनल स्टेज में है कि क्या यदि कोई जेसीबी का यूज करे तो उस वीडियो पे, उस एरिया के वीडियो में जो ब्लॉक लेवल प्रोग्राम के हेड हैं उन पे एक्शन हो या जेसीबी के ओनर पे भी एक्शन हो, ताकि कोई भी जेसीबी का जो ओनर है वो जेसीबी देने में कतराए। बिकॉज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काफी पैसे लगे रहते हैं मनरेगा में, उसका उद्देश्य यह रहता है कि गरीब लोगों को रोजगार मिले और उसके जगह कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रिक यदि कोई काम। 2 साल के कोरोना काल में मनरेगा योजना ने बाहर से आने वाले मजदूरों को रोजगार देने में एक अहम भूमिका अदा की है। मौजूदा बजट में भी मनरेगा योजना को बेहद उपयुक्त बताकर उसमें बजट का प्रावधान किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति के बाद मनरेगा योजना और कारगर बनेगी। कैमरामैन कुणाल के साथ न्यूज 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, आज काफी अहम दिन था, मनरेगा दिवस मनाया गया। इस दौरान मनरेगा लोकपालों की जो नियुक्ति थी वो की गई। देखिए, आज मनरेगा दिवस है, आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन झारखंड के लिए 19 की तादाद में लोकपाल का चयन किया गया था। ये चयन प्रक्रिया काफ़ी पहले से चल रही थी, आज इनको नियुक्ति पत्र मिला है। लोकपाल का मूलतः काम ये होगा कि स्थानीय जिला आधार पर अगर किसी के पास कोई शिकायत है, मनरेगा मजदूर के प्रति कोई बेइंसाफी हुई है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोकपाल से संपर्क कर सकता है और जो भी गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं वो जिला स्तर पर ही सॉल्व हो जाएंगी, बाद में ये घपला और घोटाला का रूप नहीं ले पाएगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि मनरेगा में जेसीबी से खुदाई करके उसकी मजदूरों के फर्जी नामों से उसकी पेमेंट उठा ले देना, तरह तरह के जो क्राइम्स हो रहे हैं मनरेगा को लेकर के, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इसको लेकर के ग्रामीण विकास विभाग ने बहुत सारी नियमावली तैयार की है और उसके आधार पर जब लोकपाल उसमें टूल का काम करेंगे, हेल्पिंग हैंड के तौर पर आगे आएंगे और भ्रष्टाचार पर बिल्कुल अंकुश लगाएंगे। तो ये कार्यक्रम हुआ आज और 19 लोकपाल को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। साथ में जो तमाम BDOs और DDC जो थे जिसमें उनका चयन हुआ है, बेहतर काम, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उनको अच्छे काम के लिए अवार्ड भी दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, डॉक्टर मनीष रंजन सचिव, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, इसके अलावा जितने भी मैंने कहा कि कई जिलों के DDC भी यहाँ पर आए थे। दिन भर इंडक्शन प्रोग्राम भी चला
और इंडक्शन प्रोग्राम इसलिए कि आगे जो नई नियमावली आई है मनरेगा के तमाम योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किए हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जानी है, कैसे आप गड़बड़ियों पर निगाह रखेंगे, किस तरह से फंड रिलीज करेंगे और समय पर कैसे अपना पूरा प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और किस तरह से जेसीबी का नहीं इस्तेमाल हो, ये सब कुछ इस प्रोग्राम का आज प्राइम फोकस था और ये प्रोग्राम दिन भर चला और बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर प्रोग्राम की रूटीन लेकर के यहाँ से जितने भी 19 लोकपाल हैं, बीडीओज हैं, डीडीसी आज यहाँ से गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो मनरेगा दिवस आज मनाया गया और 19 लोकपालों की नियुक्ति इस दौरान की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।